बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ कोफ्तों का सालन, जिसके लिए हमें चाहिए खोपरा 2 चम्मच, खसखस 2 चम्मच, 4 बादाम, 5 काजू, कुछ साबुत गरम मसाले जिसमें लौंग, शाहजीरा, दालचीनी, इलायची, 1/2 किलो दही, कोतमीर, पुदीना, हरी मिर्ची, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक 1 चम्मच, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं, और 1 छोटी प्याज और खोपरा, खसखस और ये साबुत गरम मसाले, बादाम और काजू का अपन पेस्ट बना लेंगे। चलिए मैं अब पेस्ट बना लेती हूँ। देखिए मैं गैस पे भगोना रखी, अब अपन तेल डालेंगे उसमें। ये 3 चम्मच तेल है, तेल अच्छे से गर्म होते हैं अपन ये छोटी स्मॉल साइज की प्याज अपन इसमें डाल, और जबरदस्त होते हैं ये कोफ्तों का सालन। देखो तेल गरम हो गया, अपन अब इसमें प्याज को थोड़ा तलेंगे। प्याज अच्छा जरा हल्की ब्राउन हुए तक अपन इसे फ्राई करेंगे, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा हल्का कलर चेंज होते अपन इसमें अदरक लहसुन डालेंगे। अदरक लहसुन डालते हैं, अपन अब इसमें नमक, हल्दी और मिर्च पाउडर इसमें डाल। देखिए अब अपन दही शामिल करें, देखिए अपन दही डाल दिए अब इसमें, थोड़ा कोतमीर, पुदीना, हरी मिर्ची डालेंगे, थोड़ा बचा लेंगे गार्निश के लिए। अब इसको अच्छा मिलाएंगे, अच्छा भूनेंगे, ये दही का कच्चापन दूर हो जाना, अपन इसको अच्छा भून लेंगे। अपना दही इधर पकते रहता जब तक अपन इधर कोफ्ते तल लेंगे। चलिए अपना तेल गरम हो गया, अपन अब डालेंगे। देखिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, छोटे छोटे बॉल्स बना लीजिए। देखिए देखिए अपने कोफ्ते फ्राई हो रहे, देखिए देखिए कोफ्ते फ्राई हो रहे, ऐसा टर्न करते हुए फ्राई करिए, अपन अब इसे निकाल लेंगे। देखिए अब अपना दही अच्छी तरह से पका, अपन अब इसमें मसाले
जो अपन पेस्ट बना के रखे थे ना वो अपन इसमें डालेंगे। देखिए मसाले डालने के बाद अपन अच्छी तरह इसे मिलाए। देखिए गैस की फ्लेम को स्लो करेंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स करें। देखिए अपन अब इसमें थोड़ा हरी मिर्ची, कोथमीर, पुदीना डालेंगे और इसे पकने रखेंगे। एक इसमें उबाल आते अपन गैस की फ्लेम को स्लो करेंगे, उसके बाद अपन इसमें कोफ्ते डालेंगे। देखिए साइडों से तेल आ रहा है, अपन अब इसमें कोफ्ते डालेंगे। देखिए माशाल्लाह जबरदस्त खुशबू आ रही, आप इसे जरूर बनाइए। देखिए अपन अब इसे हल्के हाथों से इसे हिलाएंगे, मिलाएंगे और इसे ढक्कन थोड़ा आधा ढाप के, फ्लेम को स्लो करके ढक्कन एक आधा ढाप के थोड़ी देर, एक 5 मिनट इसे दम पे रखेंगे, उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके बताती हूँ कैसा लगा। देखिए मैं डिश आउट करी, कोथमीर पुदीना ऊपर गार्निश करी। देखिए माशाल्लाह जबरदस्त कोफ्तों का सालन हुआ। आप इसे रोटी के साथ, चावल के साथ सर्व करते, आप इसे जरूर बनाइए। लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरी चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।